नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हम सभी यही सोचते हैं कि बड़े होकर हम डॉक्टर, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट बनेंगे, पर शायद ही कोई ये सोचता होगा कि बड़े होकर वो 1500 फुट के टीवी टावर पर चढ़कर लाइट बल्ब चेंज करेगा। इसीलिए आज हम आपको दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसी दिलचस्प नौकरियां दिखाने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इन नौकरियों को करने के लिए ना केवल आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, पर आपको अपना डर भी दूर भगाना पड़ेगा। तो हर बार की तरह इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचाकर अपना सपोर्ट हम तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपने चैनल का नाम फ्रिंगो से बदलकर द फ्रिंगो कर दिया है। तो आप सभी कमेंट्स में हैशटैग द फ्रिंगो लिखकर अपनी सहमति हमें जरूर दिखाएं। चलिए अब चलते हैं आज के इस खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, आजकल डेवलप्ड देशों में विंड टर्बाइन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी मदद करती हैं। इसीलिए जब ये खराब हो जाती हैं, तो इन्हें जल्दी से ठीक करना पड़ता है, और इस जॉब के लिए खास तरह के ट्रेंड लोगों को ही चुना जाता है। इन विशाल विंड टर्बाइन्स को रिपेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसके ऊपर से इनमें से ज्यादातर विंड टर्बाइन्स ऐसी रिमोट लोकेशंस पर मौजूद होती हैं जहां हवा का रुख बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से ये जॉब बहुत ही डिफिकल्ट बन जाती है। इसी कारण ना केवल इन टेक्नीशियंस को अपने काम में माहिर होना पड़ता है, पर साथ ही उन्हें 350 फीट की इस ऊंचाई पर चढ़ने में किसी तरह का डर भी नहीं लगना चाहिए। तो क्या आप ऐसी जॉब करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हजारों फुट की ऊंचाई से प्लेन से कूदना कोई आसान काम नहीं होता, राइट? पर हमारी इस जॉब के लिए ना केवल आपको एक खतरनाक हाइट से कूदना होता है, पर कूदकर उस जगह पर पहुंचना होता है जहां आग लगी होती है, जिससे आग को बुझाया जा सके। हम बात कर रहे हैं स्काई डाइवर फायर फाइटर्स की, जो US की एक काफी प्रेस्टीजियस जॉब मानी जाती है। ये फायर फाइटर्स जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए प्लेन से उस एरिया में कूद जाते हैं और फिर आग को बुझाना शुरू करते हैं। इस जॉब की 50 वैकेंसीज हर साल निकलती हैं और काफी लोग इसमें अप्लाई भी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो किसी भी टावर पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता, पर सोचिए अगर आपको 1500 फुट का एक टीवी टावर चढ़कर उसके टॉप पर लगे लाइट बल्ब को चेंज करना पड़े, तो क्या आप ये काम करना पसंद करेंगे? नहीं ना। पर दुनिया में कुछ ऐसे दिलेर लोग मौजूद हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। इस टावर पर हर 6 महीने में चढ़ा जाता है, और इस जोखिम भरे काम को करने के लिए इन जैसे दिलेर लोगों को 14 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। इस टावर पर चढ़ने और उतरने में कुल 4 घंटे का समय लगता है, और ऐसे थका देने वाले काम को करने के लिए आपको न केवल फिजिकली फिट होना पड़ता है, पर मेंटली भी स्ट्रांग होना ही पड़ता है। हालांकि इस व्यक्ति ने कई बार बताया है कि उसको अपनी ये जॉब बेहद पसंद है, और वो इस टावर पर चढ़कर सेल्फीज लेना भी पसंद करता है। दोस्तों, लग्जरी कार्स परफेक्ट तब बनती हैं जब उनकी टेस्टिंग करी जाती है, और इनकी टेस्टिंग करने के लिए भी प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाता है, जिनका काम ही होता है इन लग्जरी कार्स को ड्राइव करके इनकी परफॉर्मेंस को जज करना। इस जॉब के लिए आपको केवल एक ड्राइवर लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, पर इन कमाल की कार्स की पावर को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती। इसी कारण इस तरह की जॉब के लिए भी प्रोफेशनल स्किल ड्राइवर्स और टेक्नीशियंस को बुलाया जाता है। तो क्या आप कभी ऐसी कार्स ड्राइव करना चाहेंगे? कमेंट्स के माध्यम से लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशाल ब्रिजेस को पेंट कौन करता होगा? जी हाँ, ये भी एक जॉब है जो बहुत हाई स्किल्ड पेंटर्स को ही मिलती है, जिन्हें हाइट्स का कोई भी फोबिया नहीं होता। इन ब्रिजेस को पेंट करने में कई बार एक साल भर का समय भी लग जाता है, क्योंकि ये इतने विशाल होते हैं।
ये पेंटर्स अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि इनकी एक भी गलती इनकी जान के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। दोस्तों चाइना में हर 2-3 सालों में पांडा बेबीसिटर्स की कुछ जॉब्स निकलती हैं, जिसके लिए हजारों लोग अप्लाई भी करते हैं। इस जॉब को पाने के लिए लोगों को एक एंग्री पांडा को शांत करने के साथ साथ उसको एंटरटेन भी करना होता है। ये जॉब डिफिकल्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि पांडा काफी इमोशनल जानवर होते हैं और इनको हैंडल करना काफी मुश्किल भी होता है। इस कारण इन पांडा बेबीसिटर्स को 2 लाख रुपए महीने दिए जाते हैं, जो इनके द्वारा की गई मेहनत के लिए बनते भी हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर की कुछ बेहद खतरनाक और अनयूजुअल जॉब्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।